बिल्कुल। तो प्रियंका गांधी और कमलनाथ समेत कांग्रेस नेताओं पर एफआईआर के मामले में सियासत तेज हो गई है। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोला, तो कांग्रेस की तरफ से कमलनाथ ने भी पलटवार में देर नहीं लगाई। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी मोर्चा खोल दिया है। एक वायरल की उन्होंने चिट्ठी, इसमें नीचे लिखा कि हमारा भुगतान मूल ठेकेदार से प्राप्त होने वाले भुगतान पर निर्भर था और कोई 40% हिस्सा देकर मूल ठेकेदार काम कराते हैं और स्वीकृत राशि में से 50% राशि कमीशन के तौर पर बढ़ जाती। नीचे लिखा कि हमारा प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिला, उनको पीड़ा बताई, मुख्यमंत्री ने भुगतान का आश्वासन भी दिया, ओएसपी को फोन किया और ओएसपी सर से मिलने पर उन्होंने चुनावी वर्ष का हवाला देते हुए भुगतान की जाने वाली राशि का 50% पार्टी के लिए खर्च करने की बात कहकर हमें निराश किया। इसका कोई अस्तित्व नहीं, लेकिन ये उसने रणनीति के तहत, वो सकारात्मकता के मामले में विकास और जन कल्याण कोई भी हो, हमारा किसी भी कीमत पर कोई कांग्रेसी मुकाबला कर ही नहीं सकता। भ्रष्टाचार के हजारों मामले हैं, किन किन पर केस करेगी बीजेपी? अब जब खुलासा हो रहा है पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार का, तो इनके पास उपाय क्या बचा? वो सोचते हैं कि जनता को फिर से गुमराह कर पाएंगे, पर मध्य प्रदेश के मतदाता ने अब तय कर लिया कि बड़े प्यार से शिवराज सिंह जी को विदा करेंगे। तो सुना आपने मुख्यमंत्री को और पूर्व मुख्यमंत्री को। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे भोपाल से हमारे संवाददाता ब्रजेश राजपूत इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रजेश, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक है और उससे पहले एक लेटर वायरल होता है जिस पर आरोप लगते हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है। बीजेपी कह रही है कि फर्जी लेटर एफआईआर दर्ज हो जाती है। जनता कंफ्यूज है, मामला है क्या? ग्राउंड जीरो से क्या पता लगा है आपको? देखिए, मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में 3 महीने बाद विधानसभा के चुनाव है और कांग्रेस इस चुनाव को कर्नाटक की तर्ज पर लड़ना चाहती है। कर्नाटक में जिस तरीके से मुख्यमंत्री बोम्मई के खिलाफ आरोप लगाया गया था कि 30% कमीशन लेते हैं, ऐसे कुछ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ एक कैंपेन चलाना चाहते हैं, जिसके तहत ये चिट्ठी सामने आई। ये चिट्ठी सामने आई ग्वालियर से। जब ग्वालियर में हम लोगों ने पता किया कि चिट्ठी का लिखने वाला कौन है, कौन व्यक्ति है, उसके पते पर जाके देखा तो कोई आदमी ऐसा नहीं मिला, तो ऐसा लगा कि ये फेक चिट्ठी है जिसमें लिखा गया है कि हम ठेकेदारों को जो 50% कमीशन बांटना पड़ता है, यानी कि 50% यहां ठेकों में पैसा बट जाता है। और जब ये चिट्ठी सामने आई तो इस चिट्ठी की जो खबरें छपी उसको प्रियंका गांधी और सभी कांग्रेस के नेताओं ने ट्वीट कर दिया, जिसके बाद बीजेपी एकदम सख्त हुई और बीजेपी ने कहा कि नहीं, इस मुद्दे को ऐसा नहीं छोड़ा जाएगा। और इसलिए बीजेपी एकदम आक्रामक हो गई और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा हमारे साथ हैं, जिन्होंने कल से इस मामले में मोर्चा खोला हुआ। वीडी भाई, किस तरीके से ये जो मामला शुरू हुआ, तो आपको क्या लग रहा है पूरा फेक मामला है और इसलिए सख्त एक्शन लिया आपने? ब्रजेश जी, ये बड़ा गंभीर मामला है इस देश की राजनीति के लिए, केवल मध्य प्रदेश नहीं देश की राजनीति में, कि एक इतना बड़ा राष्ट्रीय दल किस प्रकार से फेक आरोप लगा करके झूठी चिट्ठी के आधार पर चिट्ठी तैयार करवाई जाती है, फिर उसे वायरल किया जाता है और वायरल करके प्रदेश से लेकर के इनके केंद्र के नेता उससे ट्वीट करते हैं। इस पर ये जो लिखने वाला ज्ञानेंद्र अवस्थी कौन है, कहां पर रहते हैं, कौन सा एसोसिएशन है, ना उस एसोसिएशन के नाम का पता, ना उस व्यक्ति का पता, और कोई व्यक्ति सामने नहीं है। और कमलनाथ, अरुण यादव और जिस प्रकार से प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, जयराम रमेश ने ट्वीट किया, ये दुर्भाग्यजनक है। झूठ और छल कपट की राजनीति का एक उदाहरण आज मध्य प्रदेश के अंदर ये जो प्रस्तुत हुआ है, ये किसी भी कीमत पर कांग्रेस को, इस प्रकार के लोगों को हम नहीं छोड़ेंगे। और इसके बारे में कहना चाहता हूं, गंभीर बात क्या है कि दिग्विजय सिंह, मिस्टर बंटाढार, उन्होंने इस पर ट्वीट नहीं किया। यानी कमलनाथ तो प्रियंका गांधी को झूठा साबित करना, कमलनाथ पहले करप्टनाथ थे ही, अब तो वो झूठनाथ भी साबित हो गए और प्रियंका गांधी से ट्वीट करा दी और दिग्विजय सिंह ने ट्वीट नहीं किया। मंगा, जो एफआईआर दर्ज हुई है मध्य प्रदेश के 41 जिले में, बीजेपी के विधि प्रकोष्ठ की तरफ से एक जैसे ड्राफ्ट में की गई है, मगर क्या हम उम्मीद करें कि ये मामला पॉलिटिकल नहीं रहेगा, आगे भी जाएगा? कोई पॉलिटिकल मामला नहीं है, मैंने कहा था कॉन्स्पिरेसी है, ये सरकार को बदनाम करने की साजिश है, साजिश के तहत एफआईआर हुई है, ये क्रिमिनल ऑफेंस है और हमने साइबर क्राइम के अंदर भी इसको कंप्लेंट किया है कि वहां पर भी इस प्रकार से समाज में बदनाम करने की साजिश कांग्रेस ने योजनाबद्ध तरीके से। बिल्कुल ब्रजेश, तो बीजेपी से कॉन्स्पिरेसी बता रही है और
जो कांग्रेस है वो याद दिला रही पिछले विधानसभा चुनाव की कि उस वक्त भी एक चिट्ठी से ही कैंपेन की शुरुआत हुई थी। कमलनाथ ने महाकाल को चिट्ठी लिखी थी प्रदेश बचाने के लिए। हालांकि इस पर निगाहें बनी रहेंगी, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताते हैं इस वायरल चिट्ठी पर प्रियंका गांधी ने जो ट्वीट किया था वो ट्वीट किया था। उन्होंने लिखा था कि मध्य प्रदेश में ठेकेदारों के संघ ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर शिकायत की है कि प्रदेश में 50% कमीशन देने पर ही भुगतान मिलता है। कर्नाटक में भ्रष्ट बीजेपी सरकार 40% कमीशन की वसूली करती थी और मध्य प्रदेश में बीजेपी भ्रष्टाचार का अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर आगे निकल गई है। कर्नाटक की जनता ने 40% कमीशन वाली सरकार को बाहर किया और अब मध्य प्रदेश की जनता 50% कमीशन वाली भाजपा की सरकार को सत्ता से हटाएगी। ये ट्वीट प्रियंका गांधी की तरफ से किया गया, यानी कि कर्नाटक का भी जिक्र उन्होंने किया और मध्य प्रदेश का जिक्र करते हुए उन्होंने लिखा कि जैसे कर्नाटक में सरकार गई ऐसे मध्य प्रदेश में भी जाएगी। इस ट्वीट के जरिए प्रियंका गांधी ने इस मुद्दे को उठाया था। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।